coming back, let's cut across to BJP chief JP Nadda, who's speaking on assembly elections. किसी भी तरीके से दे दो, कुछ भी कर दो, ये स्वाभिमान जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उस स्वाभिमान के कारण आज हमारे यहाँ लगभग हमारे यहाँ दो वैक्सीन्स का निर्माण तो हुआ ही हुआ और हमने वैक्सीन अपने देशवासियों को देने का तय तो किया ही किया। आज 72 देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, कनाडा देश जैसा देश हमसे मांग रहा है और यह भारत के लोगों का मनोबल को कितना ऊंचा करता है ये हम समझते हैं। इफ वी हैव ए सच ए लीडर तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी शख्सियत जो देश में जिसके जिसका जिसको जिसके सबसे ज्यादा मान सम्मान हो, दुनिया में जो स्थापित नेता हो, उस उनका पार्टी के और वो पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं। अगर संगठन ने उनको जब भी जो कहा है वो उन्होंने हमेशा पार्टी को माना है तो ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उनका सदुपयोग करें। और कोई भी चुनाव हो, आफ्टरऑल यहाँ पर अगर आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंट हुआ जिससे असम के लोगों की हेल्थ कंडीशन में परिवर्तन आया, स्वच्छ भारत इम्प्लीमेंट हुआ जिसके कारण हमारी हाइजीन में फर्क पड़ा, अगर मैं महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ उज्ज्वला में, सौभाग्य में, उजाला में, अगर जनधन योजना में, तो ऐसे नेताओं का स्टेट की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता है तो उसका सदुपयोग हमको करना है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा टॉकिंग ऑन असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज इंडियाज कोविड फाइट एंड हेलिंग प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीब्यूशन टू बेसिकली हेल्प